जिस तरह का मूवमेंट है उस मूवमेंट में तो यही दिख रहा है, अभी तक कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अब मोदी जी जो भाजपा की सरकार है, भाजपा का ऑप्शन अभी तक विपक्ष नहीं तैयार कर पा रहा है। तो राजभर कहते हैं कि मोदी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं। तो राजभर कहते हैं कि 2024 के लिए बीजेपी की राह में कोई रोड़ा नहीं। तो राजभर कहते हैं कि 2024 में फिर मोदी सरकार। तो क्या खुलकर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की सरकार बनवाने में लग गए हैं? ये सवाल तब उठा जब ये बयान सामने आया। लेकिन क्यों राजभर बीजेपी की सरकार केंद्र में फिर से बनवा रहे हैं, जरा वो भी जान लीजिए। स्टेट वाइज जो पार्टियां हैं वो सरकार कैसे बना सकती है दिल्ली में? इनको लामबंद होना पड़ेगा ना। अभी एकजुटता का कोई रूप तो दिखा नहीं। जब तक एक मोर्चा बने, मोर्चे में सब लोग शामिल हों, अपना रणनीति जो है उसको तय कर लें कि इस रणनीति पर हम लोग काम करेंगे, एक नेता चुन लें और उस नेता के नेतृत्व में काम चालू करें, तब ना कुछ कहा जा सकता है। अभी तक तो जो आज के तारीख में अभी तक जिस तरह विपक्ष बिखरा हुआ है, अभी बहुत दूर है दिल्ली। अब जिस तरह का मूवमेंट है उस मूवमेंट में तो यही दिख रहा, अभी तक कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अब मोदी जी जो भाजपा की सरकार है, भाजपा का ऑप्शन अभी तक विपक्ष नहीं तैयार कर पा रहा है। तो सुना आपने, राजभर कहते हैं कि फिलहाल तो कोई इस हाल में नहीं कि जो दिल्ली में सरकार को हिला सके। ऐसे में सवाल था कि बार बार खुद को अगवा बताने वाले राजभर क्या सबको एकजुट करने के प्रयास कर रहे हैं? तो भैया इस बार इस मामले में भी राजभर के बोल बदले हुए ही नजर आए। वंचित लोग हैं आजादी के बाद, उन्हीं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। दूसरे मोर्चे की कोई तैयारी? अभी कोई तैयारी नहीं, हमारी तरफ से कोई न पहल है न तैयारी हो रही है। अभी हमारा ध्यान पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगा। अगर कोई दूसरा मोर्चा तैयार करता है तो उस मोर्चे के साथ आप जाएंगे? अब वो समय बने विकल्प फिर विचार किया जा सकता है, वो समय और परिस्थिति तय करेगी। तो राजभर कहते हैं कि भैया वो किसी मोर्चे वोर्चे के चक्कर में नहीं है, वो तो बस अपनी पार्टी को बनाने में लगे हुए हैं, मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये उन्हीं राजभर के सुर हैं जो कभी भागीदारी मोर्चा बनाए चल रहे थे, फिर विपक्ष को एकजुट करने के मोर्चे पर निकल रहे थे। आप कहते हैं कि ना बाबा ना। लेकिन क्यों, आखिर इतना क्यों बदल गए हैं राजभर? क्या वाकई वो बस अपनी पार्टी तक ही सीमित रहना चाहते हैं? और अगर हाँ तो क्यों, क्या है इसकी वजह? क्या उनको अपनी पार्टी और सियासी जमीन के लिए कोई खतरा नजर आ रहा है, या फिर मामला पानी कुछ और ही है? क्या वो बीजेपी को खुलकर एक तरह से समर्थन दे रहे हैं, ये सवाल भी बड़ा है। या फिर अभी राजभर किसी बड़ी रणनीति में लगे हुए हैं? आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। वैसे आपको बता दें कि ये तमाम बातें सुभाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बलिया में कही है। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।